वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं अभी एसपी टूल से फ्लैश करने आपकी मोबाइल के नाम के अनुसार आप डाउनलोड कर सकते हो। वीवो ओप्पो रियलमी के लिए सब अलग अलग फ्लैश फाइल मिलता है इंटरनेट में, आप उसी डाउनलोड कर सकते हो। आपको ओएफपी फाइल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए ओएफपी एक्सट्रैक्टर नाम की एक फाइल मिलता है इंटरनेट में, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओएफपी को डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। मैंने क्या क्या किया है उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपका मोबाइल खराब हो सकता है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वेट करो, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हो चुका है, अभी हमको स्कैटर फाइल को रीनेम करना पड़ेगा। हम अभी स्कैटर फाइल कहाँ मिलते हैं वहाँ जाते हैं। यहाँ मिल गया स्कैटर फाइल। स्कैटर फाइल ओपन करने के बाद हम कंट्रोल प्लस एच उसको दबाना है और वहाँ सुपर फाइल और ओप्पो रिजर्व 2 का रीनेम करना है। रीनेम करने का मतलब वो फाइल्स और ट्रू होता है, उसको चेंज करना है क्योंकि वो एसपी टूल में आना ज़रूरी है। कंट्रोल एच दबाने के बाद हमको यहाँ डालना है सुपर, सर्च करना है सुपर और फाइंड में नेक्स्ट में क्लिक करना है और यहाँ इस डाउनलोड उसको फॉल्स है और उसको ट्रू करना पड़ेगा और दोबारा फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करने तो हम दोबारा मिलते हैं फॉल्स, उसको भी ट्रू करना पड़ेगा, दो बार ट्रू करना पड़ेगा और फिर सर्च बार में ओप्पो रिजर्व 2 स्पेलिंग को देख लीजिए, ओप्पो रिजर्व 2 डालना है और फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इसको वो ट्रू होता है उसको फॉल्स करना पड़ेगा। फॉल्स करने के बाद इस फाइल को सेव करो, कंट्रोल प्लस एस दबा के सेव कर दो। अपना एसपी टूल में आ जाओ और इस फाइल को, स्कैटर फाइल को एसपी में डाल दो।
सुपर फाइल इज ब्लैंक, इसलिए हमको सुपर फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। सुपर फाइल को क्रिएट करने के लिए हमको एक और स्टेप करना है और एक और फाइल डाउनलोड करना है। फाइल का मतलब वो exe होता है, उसका नाम है SIMG2IMG5EXE है। उसको लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, सो वहाँ जाके डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो। Before going to flash mobile, we have to disable the DA and SLA authentication for Realme mobiles. इसलिए हमको एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा एक exe का, उसका नाम है MTKGSM Laboratory। उसमें आठ बाईपास का एक क्लिक होता है, उसको क्लिक करो वरना PSP tool काम नहीं करेगा। को क्लिक करने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ करो और दोनों वॉल्यूम बटन प्लस एंड माइनस को दबा के रखो। दबा के रखने के बाद केबल को डालो। इसके बाद ये जिस तरह आएगा वो बीप करेगा। कनेक्ट होने के बाद एसपी टूल में आपको डाउनलोड ओनली मोड सेलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड आपका मोबाइल को फॉर्मेट कर देगा, कंप्लीट फॉर्मेट कर देगा। इससे आपकी IMEI सब इरेज हो जाएगा। ध्यान से डाउनलोड ओनली।